आजरबाईजान की आर्मेनी फौज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। आजरी फौज ने निगोर्नो काराबाख का दूसरा बड़ा और तारीखी शहर फतह कर लिया। पूरा आजरबाईजान नाराए तकबीर के नारों से गूंज उठा। आर्मेनिया में जोग का समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आजरबाईजान ने आर्मेनिया के खिलाफ बड़ी फतह हासिल कर ली। आजरी फौज ने कामयाबी के साथ पेशकदमी करते हुए निगोर्नो काराबाख के दूसरे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। आजरी सदर ने अपनी कौम से खिताब करते हुए ये खुशखबरी सुनाई, जबकि इसके साथ ही आजरी सदर ने आगे के हवाले से ऐसा क्या ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या आजरबाईजान अब निगोर्नो काराबाख पर पूरी तरह कब्जा करने को तैयार है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आर्मेनिया और आजरबाईजान के माबैन जंग दिन ब दिन उलझती चली जा रही है। दोनों ममालिक के माबैन शुरू होने वाली इस जंग को तकरीबन 2 माह का अरसा हो चुका है। अब तक रूस, अमेरिका, फ्रांस और तुर्की समेत अक्वामे मुत्तहिदा भी दोनों ममालिक पर इस कशीदगी को कम करने के हवाले से दबाव डाल चुके हैं, लेकिन इन तमाम तर मुल्कों की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। और अब की एक ताज़ा तरीन खबर के हवाले से आपको बताते चलें कि आजरबाईजान ने आर्मेनी फौज को मात देते हुए निगोर्नो काराबाख में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक आजरबाईजान के सदर ने अपनी कौम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया है कि हमने कामयाबी के साथ पेशकदमी करते हुए निगोर्नो काराबाख के दूसरे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। जबकि आर्मेनी हुकाम ने आजरबाईजान के इस दावे की तरदीद की है। इतवार के रोज आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा कि इनकी बहादुर फौज ने निगोर्नो काराबाख के दूसरे बड़े शहर शोशा पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अगर तो आजरबाईजान का ये दावा सच्चा है तो ये आजरबाईजान की एक बड़ी। आजरी सदर ने अपने खिताब में कहा कि मैं बड़े फखर और खुशी के साथ इस बात का ऐलान करता हूँ कि शोशा का इलाका आजाद हो गया है। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर का दिन तारीख में सुनहरे हरूफों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन शोशा का तारीखी शहर एक मर्तबा फिर आजरबाईजान का हिस्सा बन गया। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली तस्वीर के मुताबिक आजरी फौज की इस बड़ी कामयाबी को मनाने के लिए पूरे आजरबाईजान की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। आजरबाईजान के कैपिटल बाकू में भी आजरी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और उन्होंने नारे लगाकर अपनी फौज की इस जीत पर खुशी का इजहार किया। दोस्तों, शोशा का ये शहर दोनों ममालिक के लिए खास अहमियत रखता है, क्योंकि ये शहर तारीखी और सकाफती पहलुओं से काफी अहम माना जाता है। ये शहर स्टेपनाक्रट के 15 किलोमीटर जनूबी सिमत में वाके है। इस हवाले से आजरबाईजान की वजारत खारजा की तर्जमान लैला अब्दुल्ला युवा ने अल जजीरा को बताया कि शोशा आजरबाईजान के लिए खासी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक लंबे अरसे से इस दिन का इंतजार था, ये एक बहुत अच्छा दिन साबित हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारी इस जीत से आजरियों का मोराल कितना बुलंद हुआ है और वो किस तरह सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम पुरउम्मीद हैं कि हमारी फौज निगोर्नो काराबाख को पूरी तरह फतह किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी और हम आर्मेनिया के कब्जे से अपना हर इलाका खाली करवा कर ही दम लेंगे। हालांकि आर्मेनिया की जानिब से बार बार इस बात की तरदीद की जा रही है कि आजरबाईजान ने शोशा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आजरबाईजान की इस कामयाबी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दोस्तों, आजरबाईजान की जानिब से इस बड़ी कामयाबी के बाद एक बात तो साफ वाज़ेह है कि इस जंग में आजरबाईजान को आर्मेनिया पर वाज़ेह बर्तरी हासिल है। आजरबाईजान ने अपना तारीखी शहर आर्मेनिया के कब्जे से छुड़वा कर ये साबित कर दिया है कि वो अब किसी भी सूरत यहाँ रुकने वाले नहीं, वो आगे बढ़ते जाएंगे और जब तक निगोर्नो काराबाख का आखिरी इलाका भी अपने हिसार में ना ले ले तब तक आजरी फौज चैन से नहीं बैठेगी। आजरी सदर बारहा अपनी कौम को इस बात की यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दीगर ममालिक इस मामले में मदाखलत करके
इसको मजीद लटका देंगे। इसलिए आज़री फौज मुसलसल आगे की जानिब पेशकदमी करती चली जा रही है ताकि वो जल्द ही आर्मीनिया के कब्जे से अपना पूरा इलाका खाली करवा सकें। और इंशाल्लाह अब वाकई वो दिन दूर नहीं जब निगोर्नो काराबाग एक मरतबा फिर आर्मीनिया का हिस्सा होगा। वहीं दूसरी जानिब दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि आर्मीनिया और आजरबैजान के माबैन जारी ये कशीदगी अब तक हजारों अफराद की जानें ले चुकी है। आज से दो रोज पहले आर्मीनिया ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए आजरी शहरों पर जहरीले व्हाइट फास्फोरस बमों से हमला किया। ये बम इंतहाई खतरनाक माने जाते हैं और आलमी कवानीन के मुताबिक किसी भी जंग में इन बम्स का इस्तेमाल मना किया गया है। लेकिन खुशकिस्मती से ये बम आजरी इलाके में गिर तो गए लेकिन फटे नहीं। आजरबैजान की जानिब से बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कुछ ही देर में इन बमों को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया, जिसके बाद आजरी हुकाम ने इन बमों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड की और दुनिया को बताया कि आर्मीनिया मैदान जंग में मुंह की खाने के बाद ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। जबकि इस वक्त कई हफ्तों से जारी इस जंग को खत्म करने के लिए तुर्की और रूस सरगर्म हैं। दोनों ममालिक मिलकर इस कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की ने जहां एक जानिब इस मसले के मुस्तकिल हल पर जोर दिया है तो वहीं दूसरी जानिब ये मुतालबा भी किया है कि आर्मीनिया हठ धर्मी से बाज आ जाए। तुर्क सदर ने कल रूसी सदर को ये वाजे किया था कि अब वक्त आ गया है कि आर्मीनिया आजरबैजान का इलाका उसको वापस करे। तो दोस्तों अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के माबैन जारी इस कशीदगी में कोई कमी देखने को मिलती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आजरी फौज हर रोज मजीद इलाकों को फतह करती चली जा रही है और आर्मीनिया के हर रोज आजरी फौज के हाथों दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निगोर्नो काराबाग का इलाका अपने कब्जे से जाता हुआ देखकर आर्मीनिया भी ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। आर्मीनी फौज ने आजरी शहरों पर खतरनाक व्हाइट फास्फोरस बम्स दागना शुरू कर दिए हैं। आर्मीनी फौज ने इन बम्स का इस्तेमाल आज से एक रोज पहले निगोर्नो काराबाग के इलाके के करीब मौजूद टार्टर शहर पर किया। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनी फौज ने टार्टर के शहर में इन बमों से हमला किया लेकिन ये बम फटे बगैर ही सहालाबाद के गांव में गिर गए। आजरबैजान की नेशनल एजेंसी फॉर माइन एक्शन ने इस बात की तस्दीक की उन्हें सहालाबाद के इलाके से ये बम मिले जिनको हमने नाकारा बना दिया है। आजरी तर्जुमान ने बताया कि कब्जे में लिए जाने वाले बम P4 टाइप के व्हाइट फास्फोरस बम हैं, जिनमें 3.8 किलोग्राम व्हाइट फास्फोरस मौजूद है। व्हाइट फास्फोरस एक इंतहाई खतरनाक केमिकल है जो कि ऑक्सीजन मिलते ही फट जाता है। इसके बढ़ते पूरी फिजा में धुएं के बादल बन जाते हैं जिससे इंसानी जिस्म के आज़ा को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, यहां तक के मौत भी वाके हो सकती है। सो दोस्तों इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है कि जब आजरबैजान अपने शहर निगोर्नो काराबाग को वापस लेने में कामयाब हो जाएगा। इस हवाले से दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।